फ्रेंड्स, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद करते हो, बॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद करते हो, या फिर हॉलीवुड या बॉलीवुड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हो, तो नेटफ्लिक्स से बढ़िया ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली जो है आपके लिए, क्योंकि 5 और 6 अगस्त को नेटफ्लिक्स एक दिन के लिए आपको जो है फ्री में सब्सक्रिप्शन दे रहा है। वहाँ पर आप 5 और 6 अगस्त को कोई भी हॉलीवुड मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ या फिर हॉलीवुड वेब सीरीज़ फ्री में देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेटफ्लिक्स पे आप कैसे एक दिन के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, या फिर नेटफ्लिक्स आपको क्यों एक दिन के लिए फ्री में ये सब्सक्रिप्शन दे रही है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेक्निकल अधिकारी चैनल। स्वागत करता हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल अधिकारी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद करते हो, तो यहाँ पे 5 और 6 अगस्त आपको जो है नेटफ्लिक्स बिल्कुल फ्री में एक दिन का सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप नेटफ्लिक्स को ऐप को डाउनलोड करते हो, तो साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्रंट पेज पे कि फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। जैसे आप टैप करते हो, तो वहाँ पे आपको सेकंड पेज पे देखने को मिलता है कि 5 अगस्त सुबह 1 बजे से और 6 अगस्त रात को जो है 12 बजे तक आपको नेटफ्लिक्स पे फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कोई भी हॉलीवुड मूवीज़ आप देख लो, बॉलीवुड मूवीज़ देख लो, वहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, अगर आप नेटफ्लिक्स का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 199 का आपको वहाँ पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था कि आप कैसे इसे फ्री में देख सकते हो 5 और 6 अगस्त को। अब बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स ऐसा क्यों कर रहा है कि आपको जो है 5 और 6 अगस्त को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा, जबकि अगर आप इसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 199 का आपको पड़ता है, या फिर 300 का प्लस पड़ता है अगर आप HD में देखोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जितनी भी मूवीज़ हैं जो अब रिलीज हो रही है, वो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, और ख़ासकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये देख के भी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही लगता है कि नेटफ्लिक्स ये चाहता है कि लोग जो है नेटफ्लिक्स पे आए, वहाँ पे वीडियोस देखें, मूवीज़ देखें, और जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं वो नेटफ्लिक्स के कांटेक्ट करें और वहाँ पे अपने जो मूवीज़ को वो रिलीज़ करें। और फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवीज़ आती हैं और कैसा ये OTT प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए एक चस्का लगाने के लिए, इसके लिए भी जो है नेटफ्लिक्स एक दिन के लिए फ्री में सब्सक्रिप्शन आपको दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करते हो, तो नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है OTT जहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज़ हैं वो सब आपको देखने को मिलेगी, वेब सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यही एक मेन रीज़न है। अगर वहाँ पे कोई न्यू फिल्म रिलीज होती है तो ये नेटफ्लिक्स के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए नेटफ्लिक्स जो है एक दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन दे रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नेटफ्लिक्स को बहुत अच्छे से पता है, उनके ओनर को, कि अगर आप एक दिन भी नेटफ्लिक्स को देखोगे, तो सबसे पहली चीज़, कोई भी वेब सीरीज आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो, और कोई भी अगर आप वहाँ पे मूवीज़ देखते हो तो 1, 2 या 3 देख सकते हो, उससे ज़्यादा आप एक दिन में नहीं देख सकते हो। ना ही आपके फ़ोन में इतना डाटा होगा और ना ही आपके पास इतना टाइम होता है। इसका मेन मोटिव ये है कि एक बार आपको नेटफ्लिक्स का चस्का लग गया, तो आप जो है उसका महीने भर का सब्सक्रिप्शन अपने आप ले लोगे, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, हॉलीवुड जो वेब सीरीज़ देखने को मिलेगी, बॉलीवुड मूवीज़ देखने को मिलेगी, कि आप उन्हें एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और दूसरे दिन हो सकता है बहुत सारे जो है नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने आप लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी है जिससे जो है OTT प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स की पकड़ बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि अभी जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे सारी मूवीज़ रिलीज होती है, जितनी भी वेब सीरीज है मैक्सिमम वहाँ पे रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है नेटफ्लिक्स आपको 5 और 6 अगस्त को फ्री में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर फ्री में देखना चाहते हो तो 5 और 6 अगस्त को, उससे पहले आप 4 अगस्त को ही नेटफ्लिक्स को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत टाइम और मिल जाए हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवीज़ देखने को। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार चैनल को विजिट करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके।